हाँ तो आ गए आप सब देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में वृषभ राशि वालों के लिए और वृषभ लग्न वालों के लिए, क्या वो मोती धारण कर सकते हैं, क्या उनके पास में मोती धारण करने का ज्योतिष शास्त्र अनुमति देता है। वृषभ राशि के लग्न अगर मोती धारण करेंगे तो क्या उनके जिंदगी में कोई बदलाव हो सकता है या नहीं, आपके लिए लाभदायक है या हानिकारक, इसी विषय पर मैं आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, मोती कुछ राशि वालों के लिए तो ऐसा होता है कि उसकी जिंदगी को बदल के रख देता है, तो कुछ राशि वालों के लिए ऐसा होता है कि उसकी जिंदगी को तबाह करके रख देता है। आप कहेंगे भाई ग्रह में इतनी, रत्न में इतनी शक्ति होती है? बिल्कुल होती है। रत्न का अगर रिजल्ट देखना हो तो हमारे पास में तो गारंटेड रत्न देता हूं लोगों को, कहता हूं कि इसको पहलो और 3 महीने के अंदर ये फल घटित होगा, ये लिख करके रख लो, नहीं हुआ तो ये रत्न सही नहीं है। तो आइए देवी और सज्जनों चर्चा को आरंभ करें। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो का सिकाय केरो हाल है केना जी यहां सब कैसन वाणी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो ना जो मनक्कम खम्भा गणि हुकुम केंटी अच्छंती की खबर नमस्तु भ्यंग राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, ये जो है वृषभ लग्न वृषभ राशि की कुंडली है जो आपके सामने में है। मोती चंद्रमा का रत्न होता है। जिस किसी भी व्यक्ति को चंद्रमा से संबंधित बेहतरीन रिजल्ट्स लेने होते हैं वो मोती धारण करता है। आपके लिए क्या मोती सुटेबल है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप जरा मोती को देख लें और इस वीडियो को देख लें, फिर चर्चा करेंगे। राधे राधे, अभी आपके सामने में मोती पड़ा हुआ है, आप सब देख रहे हो। ये हर मोती, हर क्वालिटी, हर प्रकार का है देवी और सज्जन, जिसमें सबसे विशिष्ट ये मोती है, ये सबसे विशिष्ट है, ये सीप वाली मोती है। ये आपके लिए जो है सो इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएगी, ये आपको मिल भी नहीं पाएगी इतनी आसानी से। ये मोती आज के इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ये मोती आपके लिए आखिर कितना ज़्यादा सुटेबल है, आपके लिए कितना लाभ देने वाला है, आपके लिए कितना नुकसान देने वाला है, क्योंकि इस मोती का प्रयोग इसमें अब 7 पीस ही बचे हुए हैं, टोटल 50 पीस था ये। मेरे पास में मोती 2500 रुपये से लेकर के और 5 लाख रुपये तक के अवेलेबल हैं और हमेशा रहते हैं, लेकिन मैं रत्न बेचता नहीं हूँ, रत्न देता नहीं हूँ लोगों को। लेकिन ऐसे लोग जिनको लगता है कि नहीं मार्केट से लूँगा तो ठग लेते हैं लोग, नहीं देते सही प्राइस में, सही चीज़ नहीं देते, जो रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं गुरुदेव आप ही दो हमें, तो उनको मैं ये प्रदान करता हूँ। जिस जिस राशि के व्यक्ति को जीवन में मोती के कारण, जैसे कि एक मेष राशि का व्यक्ति, उसको जमीन मकान नहीं हो पा रहा था, घर नहीं बन पा रहा था, कई सालों से परेशान था, उसको हमने ये मोती दिया, ये वाली मोती, ये महंगी है, काफ़ी महंगी है ये वाली मोती हमने उसे दी, उसका घर 6 महीने से साल भर के अंदर में बनना शुरू हो गया और बन गया। जैसे एक व्यक्ति था कि गाड़ी लेना चाह रहा था, बहुत महंगी गाड़ी थी, उसकी इच्छा थी, पैसा नहीं था, शौक पूरा नहीं हो पा रहा था, उसने मोती धारण किया, ये वाला, जिसको जैसी हैसियत है वो उसमें से लेकर के धारण कर सकता है, उसको गाड़ी मिल गई, वो गाड़ी ले सका और अभी गाड़ी वो चल रहा है। किसी को बैंक बैलेंस मोटा नहीं हो पा रहा था, उसने मोती धारण किया, मोटा बैंक बैलेंस होना शुरू हो गया, पैसा बैंक में खूब जमा होना शुरू हो गया। किसी को आमदनी के स्रोत नहीं बढ़ पा रहे थे, आमदनी इतनी ही आ रही थी जितना में कि पैसा आया खाया और गया, आया राम गया राम वाली बात, तो उसको मोती दिया, मोती धारण किया उसने, उसकी वो समस्या सॉर्ट आउट हो गई, एक तरफ से सोर्स था इनकम का, 10 तरफ से पैसा आना शुरू हो गया इत्यादि। तो मोती के बहुत सारे फायदे हैं देवी और सज्जनों, लेकिन इसमें शर्त है कि किसके लिए बढ़िया है, किसके लिए खराब है, तो आइए इस पर में विशेष चर्चा करते हैं, सामने से बोर्ड पर में चल करके देखते हैं कि आपके लिए अच्छा है या बुरा है। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को देख लिया होगा, अब आइए समझते हैं बोर्ड पर में देख करके कि आपके लिए कितना सुटेबल है।
वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा जो है सो ये तीसरे भाव का मालिक है, ये तीसरा भाव चंद्रमा का है, जिसके कारण से वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों के लिए ये एक मारक ग्रह के तौर पर में जाना जाता है। यहां पर में बैठना इसके मारकत्व को दर्शाता है, यहां पर में बैठना इसके लिए जो है सो बहुत ही विपरीत फल को दर्शाता है कि ये आपको चंद्रमा मारक हो गया, यानी कि वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों के लिए कुंडली में चंद्रमा का जब जब समय जीवन में आएगा वो आपको तबाही मचा करके छोड़ देगा। चंद्रमा एक ही शर्त पर में आपको कुछ अच्छा रिजल्ट देगा, वो है कि अगर आपके कुंडली में चंद्रमा इस जगह पर बैठा हुआ है, कुंडली के प्रथम भाव में अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है वृषभ राशि में उच्च का, तो ही आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है, अन्यथा ये आपको अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब चंद्रमा ही अच्छा रिजल्ट नहीं देगा तो उसके रत्न अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे क्या, सवाल ही नहीं है। अगर आप मोती धारण करते हो तो आपको क्या क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो मैं बता देता हूं, ये सब परेशानी आपको उठानी पड़ेगी अगर आप मोती धारण करते हो जो मैं बता रहा हूं। मोती अगर धारण करोगे आप वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले, तो आपको भाई बहनों के साथ संबंध में खराबी आने लगेगी, लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगेगी, भाई बहनों का संबंध अच्छा नहीं रहेगा। मोती अगर धारण करोगे तो आपके पराक्रम में या तो बहुत कमी हो जाएगी या इतनी वृद्धि हो जाएगी, कहते हैं ना जोश में होश खो देना, उस वो वाली बात हो जाएगी, आपको अपने होश का अंदाजा नहीं रहेगा, आपकी अभिरुचि जो है सो गलत गलत चीजों में जागृत होने लगेगी जो आपके लिए ठीक नहीं है। इस भाव में इस भाव का मालिक है चंद्रमा, और अगर आप मोती धारण कर लेते हो तो साहस तो साहस में बदल जाएगा, जो आपके लिए बहुत नुकसान का सौदा हो जाएगा। हाथ से संबंधित परेशानी आ सकता है, कान से संबंधित परेशानी आ जाएगी, महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाएगी कि एक के बाद एक गलत स्टेप लेने शुरू कर दोगे। आपको मैं बता दूं कुंडली के तीसरे भाव का मालिक है चंद्रमा, नौकरों के साथ संबंध खराब होने लगेंगे, नौकर आपको नुकसान पहुंचाने लगेगा, अनेक प्रकार के दुखों का आप भाजन बनने लगोगे, कुछ सिग्नेचर ऐसे कर दोगे, सिग्नेचर के कारण कहीं पर फंसने लगोगे अथवा फंस जाओगे। मोती अगर धारण करोगे तो हो सकता है दोस्ती बहुत लोगों से हो जाए, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको धोखा देने लगेंगे, आपका लाभ लेना चाहेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आपके रहन सहन में बदलाव हो जाएगा। मोती धारण अगर आप करने लगेंगे या करते हैं तो आपका धैर्य बहुत कमजोर हो जाएगा, बहुत कलेजा कमजोर हो जाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान होने लगेगा आपका, आपके ऊपर में मृत्युतुल्य कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है, सर्दी खांसी जुकाम गले नाक कान श्वसन अंग यहां से ऊपर से संबंधित समस्या जो है आपको बहुत ज्यादा झेलना पड़ जाएगा, दमा वगैरह की शिकायत हो जाएगी, अपस्कलंक वगैरह आपको झेलना पड़ जाएगा। और इतना ही नहीं, चंद्रमा की जो है जिस भाव में भी बैठे रहेंगे, जैसे कि अगर प्रथम में बैठे हुए तो मेंटली तो अभी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने लगेंगे, दूसरे में बैठे रहेंगे तो पारिवारिक टेंशन और धन से संबंधित परेशानी, वाणी से संबंधित इशू, तीसरे में अगर चंद्रमा है तो जो बताया वो फल आपको मिलने लगेगा, चौथे में अगर चंद्रमा है और मोती आपने धारण कर लिया तो क्या होगा कि आपको छाती हृदय फेफड़े संबंधित परेशानी आने लगेगी, सुख में कमी हो जाएगी। पंचम में अगर चंद्रमा है आपने मोती धारण कर लिया, संतान को इशू आने लगेगी, आपको पेट से संबंधित परेशानी होने लगेगी, अचानक से धनहानि वगैरह के योग बन जाएंगे, प्रेम संबंध में असफलता मिलने लगेगी। छठे भाव में अगर चंद्रमा है आपने धारण कर लिया, इतना बीमारी आने लगेगा कि वो ठीक ही नहीं होगा, एक के बाद दूसरी तीसरी चौथी बीमारी आने लगेगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि छठे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा जो है सो आपके लिए अगर आपने मोती धारण कर लिया दुश्मनों की संख्या बढ़ा देगा, आप कर्ज में चले जाएंगे, केस मुकदमा हो जाएगा। अगर सप्तम भाव में चंद्रमा है आपने मोती धारण कर लिया तो क्या होगा, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति, अपस्कलंक शोक दुख मिलने लगेगा, दैनिक रोजगार काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, नपुंसकता आपके अंदर आ जाएगी। अगर अष्टम भाव में चंद्रमा है और आपने मोती धारण कर लिया तो क्या होगा आपके लिए, ये आपको दुर्घटना करवा देगा, एक्सीडेंट करवा देगा, आपकी मृत्यु भी हो सकती है, हाथ पांव आप खो सकते हो, पैखाने के रास्ते संबंधित परेशानी आ सकती है।
अगर नवम भाव में चंद्रमा है और आपने मोती धारण कर लिया, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, धर्म का काम नहीं कर पाओगे, ससुराल से टेंशन, तनाव का योग बनने लगेगा। अगर दशम भाव में चंद्रमा है और आपने मोती धारण कर लिया, पिता के साथ संबंध खराब होने लगेंगे, काम धंधा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में बहुत कमी आ जाएगी। अगर आप एकादश भाव में चंद्रमा है और आपने मोती धारण कर लिया, लाभ नहीं मिलेगा, उपलब्धि प्राप्ति में परेशानी आ जाएगी। और अगर द्वादश भाव में है, आपने मोती धारण कर लिया, तो खर्चा हद से ज्यादा होने लगेगा, हॉस्पिटल खर्चे एक्टिवेट होने लगेंगे और आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। तो एक ही शर्त पे, इसमें शर्त एक ही शर्त क्या, इसमें मोती आप धारण कर ही नहीं सकते, ये आप मानो। कोई भी व्यक्ति बताए, कुछ भी कहे, आप बोलो कि नहीं, मुझे मोती धारण नहीं करना है, क्योंकि ये जान लो कि रत्न का ज्ञान 90-95% ज्योतिष को हिंदुस्तान में नहीं है, नहीं है, नहीं है, देवी और सज्जनों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि वृषभ राशि, वृषभ लग्न वाले व्यक्ति मोती धारण नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो ये सब दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। और चंद्रमा इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, इसलिए विपरीत स्थिति उत्पन्न करेगा। बाकी विशेष जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर सामने में है, अगर आप अपना जन्म कुंडली या हस्तरेखा की जांच करवाना चाहते हैं, विशेष कुछ भी जानना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर सामने है 7062757996। उस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें, जो उचित शुल्क होगा जमा करेंगे, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।